हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर रजनी गुप्ता फ्रॉम संथिया रमन आधार फाउंडेशन। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है षष्टिकशाली पिंड स्वेदन। षष्टिकशाली के बारे में बताऊं तो षष्टिकशाली ऐसे स्पेशल तरह के राइस रहते हैं जो 2 मंथ्स में हार्वेस्टेड होते हैं। इन राइस को ब्राउन राइस कहा जाता है। इनको दूध के साथ और कषाया के साथ मिक्स करके इसका पोटली की तरह जब बना के पूरी बॉडी पे रबिंग की जाती है, उस प्रोसीजर को हम षष्टिकशाली बोलते हैं। बोलस पिंड स्वेदन जो है ये 2 तरह का पिंड स्वेदन होता है। एक होता है ड्राई और एक होता है ऑयली। ड्राई पोटली में जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो ड्राई हर्ब्स रहते हैं, और स्निग्ध पोटली के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। स्निग्ध स्वेदन में हमारा आता है षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, जंभीर पिंड स्वेदन, चूर्ण पिंड स्वेदन, कुकुटांड स्वेदन, धान्य पिंड स्वेदन, कंठकाई पिंड स्वेदन। इसमें पिंड स्वेदन में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ड्रग्स को यूज करके बनाया जाता है पोटली की फॉर्म में। अगर हम ड्राई पोटली किसी को देनी है, ड्राई पोटली मैक्सिमम हमारे लिए कफ जहाँ पे प्रिडोमिनेंट है उन डिजीजेस में दी जाती है जिसमें ओबेसिटी, रूमेटिक आर्थराइटिस की कॉमन डिजीजेस है। ड्राई पोटली के लिए जो हम यूज करेंगे यहाँ पे ऑयल यूज नहीं होगा। इसमें स्पेशल टाइप ऑफ सैंड यूज की जाती है। इसको सैंड बोलस सुडेशन बोलते हैं या क्लोथ सुडेशन भी ड्राई पोटली के अंडर आती है। जो हम ड्रग यूज करते हैं पोटली बनाने के लिए उसमें हम कई तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स को यूज किया जाता है। आज जो मेन टॉपिक हम देखेंगे वो है षष्टिकशाली पिंड स्वेदन। इससे पहले हमने पत्र पोटली के बारे में लास्ट क्लासेस में देखा था। जो षष्टिकशाली पिंड स्वेदन है इसमें राइस पुडिंग सुडेशन भी बोला जाता है या इसको नवरा कीजी भी बोला जाता है। इसको बनाने के लिए जो हम स्पेशल टाइप ऑफ राइस लेंगे दैट इज ए षष्टिकशाली। ये ब्राउन तरह के ब्राउन टाइप ऑफ राइस रहते हैं। षष्टिकशाली पिंड स्वेदन बनाने के लिए जो हमें मेन इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज ए नवरा वेराइटी ऑफ षष्टिकशाली 300 ग्राम चाहिए, रूट ऑफ सीडा कार्डी फोलिया 300 ग्राम चाहिए, वाटर हमें क्वांटिटी सफिशेंट लेना है। अगर हम इसमें काऊ का मिल्क यूज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर हम काऊ का मिल्क लेंगे। तेलम इन द फॉर्म ऑफ आप सिसम ऑयल भी ले सकते हैं, बलालाक्षादी बलाश्वगंधा ऑयल भी यूज की जा सकता है, 10 ml ऑयल लेंगे। रासनादि चूर्ण 5 ग्राम लिया जाएगा। सुटेबल ऑयल फॉर अभ्यंगम जिसमें हम बलाश्वगंधा बला ऑयल और भी अभ्यंगम ऑयल किसी भी तदनवंतर महानारायण ऑयल को यूज करेंगे ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 100 ml चाहिए। इसके साथ साथ हमें कॉटन का कपड़ा चाहिए जो 4 पीसेस हो, 45 cm एंड 45 cm लंबाई और चौड़ाई में इसको काट के रखेंगे। थ्रेड चाहिए है या फिर हम उसके लिए कपड़े को भी इस्तेमाल कर सकते हैं छोटी सी कटिंग पीसेस बना के, 8 से 10 पीसेस हमें चाहिए। एक वेसल चाहिए इसको कुक करने के लिए और एक स्टोव चाहिए जिसमें हम लो फ्लेम पे अपने मटेरियल को पका सके। इसको बनाने के लिए हमारा जो वेसल है वो हमारा वाइड माउथ का वेसल हमने यूज करना है। स्टोव लो फ्लेम का, इसमें मशाजर जो है 2 to 4 मशाजर इसमें काम करते हैं, एक अटेंडेंट चाहिए होता है प्रोसीजर करने के लिए। कोकोनट लीव्स या टिश्यू पेपर को बाद में रब करने के लिए यूज किया जाता है। पुडिंग को षष्टिकशाली को कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले हम 300 ग्राम षष्टिकशाली लेंगे और 300 ग्राम ही हम सीडा कार्डिफोलिया लेंगे, बला चूर्ण बला लेंगे। बला को हम अच्छे से वॉश करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे, इसको क्रश करेंगे और इसको 6 लीटर ऑफ वाटर में बॉयल किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में हम इसको बॉयल कर रहे हैं, बॉयल तब तक करेंगे जब तक ये हाफ रिड्यूस ना हो जाए। जब हमारा बला का कषाया आधा रह जाएगा तब हम इसमें काऊ मिल्क को डालेंगे और इसको दोबारा से हम हीट करेंगे। ये हमारा कषाया जब रेडी हो जाता है इसको हम 2 वेसल्स में अलग अलग निकाल लेंगे। एक वेसल्स में हमने षष्टिकशाली को डालना है, 300 ग्राम अनपॉलिश राइस को लेके इसको अच्छे से हमने बॉयल करना है। इसको तब तक मिक्स करना है जब तक ये प्रॉपरली कुक ना हो जाए। षष्टिकशाली को हमें कोर्स फॉर्म में लेना चाहिए, हल्का क्रश करके रखना चाहिए और कोशिश करिए कि आप फुल नाइट इसको डिप करके रखें। जब आप राइस को फुल नाइट तक डिप करके रखेंगे तो ये इजिली कुक हो जाएंगे और प्रॉपरली इसकी ब्लेंडिंग भी कषाया में हो जाएगी। इसके बाद
हमने एट पीसीज लेने हैं, एट पीसीज क्लोथ्स को हमने इक्वल इस फॉर्म में लेना है। एट पीसीज क्लोथ्स को जैसे हम एक पीस में भी आपको दिखाएंगे स्टूडेंट्स, एक हमने क्लोथ ले लिया, इसके ऊपर हमने एक स्मॉल क्लोथ को रखा है। इसके बाद जो हमने षष्ठी शाली का मिक्सचर बनाया है, उस मिक्सचर को हम इस क्लोथ के ऊपर डालेंगे। इस पोटली की चारों ही एजिस को हम इक्वल क्वांटिटी में पकड़ेंगे और इसके बाद धीरे से इसको टाई करेंगे। पोटली को बांधने का अपना ही एक प्रोसीजर होता है ताकि पोटली में से मटेरियल बाहर ना जाए। इसके फोर एजिस को पकड़ के धीरे से अंदर को फोल्ड किया जाता है और इसके बाद हम किसी कॉटन के थ्रेड से या कॉटन के क्लॉथ से इसको प्रॉपर हम टाई कर देंगे। देखिए जैसे ये हमारी पोटली बन गई है, एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी। ये हमने कुक राइस लिए, इसके बाद सेकंड स्टेप में हमने इसको इस तरह इक्वल क्वांटिटी, हमने फोर पोटली हमें चाहिए तो चारों ही पोटली बना के इसमें इक्वल क्वांटिटी हमने राइस डाल दिया और फिर हमने इसको टाई करके ये इस तरह से पोटली हमारी बन के रेडी हो जाती है। जो सेकंड पार्ट हमारा कषाया बचा था जिसमें दूध और बलामूल था, उसमें हमने इस पोटली को डिप करना है। एक बार में हम दो पोटली को डिप करके रखेंगे और दो पोटली को हम पेशेंट के ऊपर रब करें। इसको हम तब तक रब करते रहेंगे जब तक पेशेंट का पूरा प्रोसीजर ना हो जाए। जब हम षष्ठी शाली पिंड स्वेदन बनाते हैं उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारा जो मिक्सचर है वो प्रॉपर फॉर्म्ड रहना चाहिए ताकि वो बाहर ना निकले, और जो हम क्लोथ लेते हैं वो कॉटन का क्लोथ होना चाहिए ताकि जब हम उसमें डिप करें अपने प्रोसीजर करते वक्त, हम बलामूल के कषाया और मिल्क में जो हमने कषाया बनाया है उसमें जब डिप करें तो वो हमारा जो मटेरियल अंदर का है वो प्रॉपर ही पेशेंट के ऊपर सुडेशन उसको प्रॉपर मिले। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट की बॉडी में जेंटली मसाज करेंगे, पूरी बॉडी पे उसको 7 स्टेप से मसाज दी जाएगी जिसमें हम किसी भी तरह के मेडिकेटेड ऑयल को यूज करेंगे। उसके बाद हम फोर जो हमने पोटली बनाई हुई है, फोर पोटली में से टू पोटली को हम मेडिकेटेड मिल्क के डिकॉक्शन में से निकालेंगे और दो मसाजर जो है इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। लेग से अपवर्ड डायरेक्शन में इसको अप्लाई किया जाता है, हैंड से टुवर्ड्स द हार्ट इसको अप्लाई किया जाता है ताकि हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ब्लड हार्ट की तरफ इंक्रीज किया जाए। ऐसे ही हम लिम्स में भी करेंगे, हिप एरिया पे, बैक के एरिया पे किया जाएगा। पत्र जो हमारी षष्ठी शाली पिंड स्वेदन है ये हम 7 स्टेप्स में पेशेंट को करते हैं। फोर हमारे बोलस बैग है जिसमें हम टू को गर्म करेंगे और टू को हम पेशेंट की बॉडी के ऊपर लगाएंगे। जैसे हमारे लगाए हुए ठंडे हो जाते हैं दोबारा से उसको गर्म करके रीयूज किया जाता है। इस तरह ये कॉन्टिन्यूस 45 मिनट्स का प्रोसीजर जो है कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। टाइम ड्यूरेशन अभ्यंगम इसमें 10 मिनट्स का अभ्यंगम देंगे और षष्ठी शाली पिंड स्वेदन हम 35 मिनट्स का देंगे। 35 मिनट्स में रिपीटेडली हम ये प्रोसीजर करते रहेंगे। इसके बाद पश्चात कर्म पश्चात अभ्यंगम के लिए हम 5 मिनट्स यूज करेंगे और इसके बाद पेशेंट को हम ड्राई करने के लिए भी छोड़ देते हैं। कई बार हम अन्नलेप को जो पोटली के अंदर हमारा षष्ठी शाली पका हुआ है उसको भी पूरी बॉडी पे लगा के पेशेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है जिसको हम अन्नलेप बोलते हैं। इसको 15 से 20 मिनट तक छोड़ के बाद में इसको वॉश कर दिया जाता है, ये पेशेंट बाथ भी ले सकता है। इस प्रोसीजर को करते वक्त हम प्रॉपर रबिंग जब करते हैं तो उससे हमारे जो निरिशमेंट मिलती है हमारी स्किन को निरिशमेंट मिलेगा। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जो प्रॉपर मैनर से स्वेदन किया जाता है ये हमारे बॉडी की जितने भी फॉलिकल्स हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, इनको एक्टिवेट करेगा, हमारी बॉडी की स्टिफनेस को दूर करेगा, जॉइंट्स पेन को दूर करेगा और बॉडी में वात का विशेषण हो रहा है तो उसको ये कम करेगा, हमारी स्रोतस को क्लींस करेगा, इसके साथ साथ हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा, हमारी कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करेगा, एपेटाइट को इंक्रीज करेगा, हमारे डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करेगा और इसके साथ साथ हमारे जितना भी श्लश वेस्ट मटेरियल है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा, हमें नींद इससे प्रॉपर आएगी। इन एडिशन टू दीज ये हमारा पिंड स्वेदन जो है नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है, क्रॉनिक रूमेटिज्म में, पेन जॉइंट्स पेन में, या कोई पेशेंट इमेशिएट हो रहा है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बच्चों में जो ज्यादातर बीमारियां पाई जाती हैं जैसे मस्कुलर ट्रॉफी डिस्ट्रॉफी है, सेरिब्रल पाल्सी है या हाइपरप्लेजिया है,
पैरिप्लेजिया है, इस बीमारियों में भी षष्ठीशाली पिंड छेदन करने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, बिकॉज ये हमारे स्किन को एक्टिवेट करके हमारे नर्वस सिस्टम को ये एक्टिवेट करता है। इसके साथ साथ अगर हम हेल्थी भी रहना चाहते हैं और अपनी बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को इंक्रीज करना चाहते हैं, तब भी हम षष्ठीशाली पिंड छेदन को ले सकते हैं। षष्ठीशाली पिंड छेदन देते हैं तो उस टाइम पे हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज ए प्रैक्टिकल गाइडलाइन। टेम्परेचर ऑफ द बॉलर जो है उसको हमें चेक करना चाहिए, थेरेपिस्ट को देखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो हमारा बॉलस, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, जो पेशेंट हमारा सहन कर सके उसके अकॉर्डिंग ही इसको अप्लाई किया जाता है। ये जो बॉलस है इसको हम राउंड वर्ड डायरेक्शन में घुमाते हुए पूरी बॉडी पे अप्लाई करते हैं। इसके डीमेरिट्स क्या हैं? अगर कहीं थेरेपिस्ट इसको फोर्सफुली अप्लाई करता है तो हो सकता है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिकॉशन, जब हम पूरा ही प्रोसीजर करते हैं, ऐसे हम इसको पूरा अप्लाई कर देंगे, इसके बाद हम पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, 5 to 10 मिनट्स तक उसकी बॉडी पे ये लगा भी रह सकता है ताकि ये ड्राई हो जाए। प्रोसीजर में क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए? हमारा राइस जो है वो प्रॉपरली क्रश्ड होना चाहिए, प्रॉपरली होमोजीनियस एक पेस्ट बन के रहना चाहिए, अदरवाइज जब हम पेशेंट की बॉडी पे रब करेंगे तो हो सकता है उसको कहीं स्क्रैच ना पड़ जाए, ये पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। और उसका बोलस का टेम्परेचर मेंटेन्ड रहना चाहिए, यूनिफॉर्मली हमें पूरी बॉडी पे इसको अप्लाई करना चाहिए। इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए ही हमें षष्ठीशाली पिंड छेदन को करना चाहिए। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं तो हमें इसे कैसे मैनेज करना है? जब हम अगर षष्ठीशाली पिंड छेदन दे रहे हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें ऐसे स्थान पे करना चाहिए जहाँ पे हवा वाला स्थान हो, पेशेंट को बॉडी रूम टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर कहीं पेशेंट को फेंटिंग हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर, ये ज़्यादा हीट लगने की वजह से उसको अति योग्य अयोग्य लक्षण आ जाते हैं, उस केस में हमें मेडिकेटेड ऑयल या चूर्णा से पेशेंट की बॉडी को रब करना चाहिए। उसे द्राक्ष आदि का छाया 20 ml हमें इंटरनली पीने को देना चाहिए। अगर कहीं रैशेज आ जाते हैं ड्यू टू हीट की वजह से, हीट इंटॉलरेंस की वजह से, कोई पित्त प्रकृति का पेशेंट है, हो सकता है जब हम उस पर रब करें तो उसकी बॉडी में रैश आ जाए, उस टाइम हमें उसमें मधु घृत या शतधोत घृत को जल्दी से अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस जो है वो रिकवर हो जाएगी। एप्लीकेशन ऑफ राइस पुडिंग, जैसे हम षष्ठीशाली करने के बाद ये पोटली को ओपन करके, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं राइस पूरे ही बॉडी पे हमने अप्लाई कर दिए हैं, तो इस तरह से भी अप्लाई करके अन्न लेप की तरह अप्लाई करके पेशेंट्स को छोड़ा जा सकता है, 10 से 15 मिनट तक उसको रेस्ट करने के लिए दिया जा सकता है। हम देखें षष्ठीशाली पिंड छेदन कैसे एक्शन करता है हमारी बॉडी में। कभी भी हम कोई स्ट्रीम लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने से हमारा सिंपेथेटिक एक्टिवेशंस इंक्रीज हो जाती हैं, जिससे हमारी बॉडी के हार्मोन जो हैं एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, इवन थायराइड हार्मोन भी रिलीज होते हैं, और ये प्रॉपर मात्रा में रिलीज होते हैं। ये हमारा इंक्रीज करता है मेटाबॉलिक रेट एंड स्टिमुलेट करता है लिपोलाइसिस, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड जहाँ बढ़ रही होती है, जहाँ अगर पेन है वहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी और पेन जो है पेशेंट की सबसाइड हो जाएगी। इट कैन ऑल्सो रिलीज द आमा, अनडाइजेशन की वजह से जो हमारी बॉडी में आमा इकट्ठा हो गया है ये उसको भी हीट जो है रिलीज कर देंगे। सेकेंड तरफ देखेंगे हम, ये वेसो डायलिटेशन का भी काम करता है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, नेगेटिव फीडबैक एक जनरेट होगा जो स्टिमुलेट करेगा हमारे थ्रोम्बोरिसेप्टर्स को, ये हमारी नर्व्स इम्पल्सिस को इंक्रीज कर देगा, डायलिटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, जिससे हमारे हार्ट को प्रॉपर स्टिमुलेट मिलेगा और हार्ट में से ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये हीट प्रमोशन सेंटर्स को एक्टिवेट करेगा, ब्लड के फ्लो को पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज करेगा, जिससे मैक्सिमम ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट जो है हमारी बॉडी को मिलेंगे और हमारे बॉडी से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा बॉडी में एक्शन करेगा। थर्ड थिंग, ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है। जैसे ही हमारे कॉन्टैक्ट में हम षष्ठीशाली पिंड छेदन को लेके आते हैं, हमारे हेयर फॉलिकल्स ओपन होते हैं, ये हमारे स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करेगा। हाइपोथर्मिक एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्व,
इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज करेगा ये स्वेट की प्रोडक्शन को और हमारी बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेगा। क्योंकि स्वेदन का मेन कार्य ही होता है ये स्रोतो दुष्टि करता है। हमारी बॉडी में कहीं पे भी आमा इकट्ठा हुआ है, ये स्रोतस में अवरोध हो रहा है, वो उसको बाहर निकालेगा। जैसे ही स्वेटिंग होगी उससे हमारी बॉडी के बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, जो षष्ठीशाली पिंड स्वेदन है ये इस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, सेरिब्रल पैल्सी में, हेमिप्लेजिया में, पैरिप्लेजिया में, या बॉडी के कॉम्प्लेक्शन को नरवाइन टॉनिक की तरह ये हमारा काम करता है। और इट्स वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। आप अपने क्लिनिक्स पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है या किस तरह से इसको अप्लाई करना है, तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। हमारी स्क्रीन पे रेगुलर हमारे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं। आप इन वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग इसको देख सके और षष्ठीशाली पिंड स्वेदन के फायदे को ले सके। थैंक यू स्टूडेंट।